जाति की थाती पर नाचती बिहार की राजनीति की पहचान एक बार फिर सामने आने वाली है। पार्टी कोई भी हो, मौका देखकर पौवा जाति का ही चुनती है ताकि वोट की राजनीति चलती रहे। बता दें कि बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। इन 5 में 3 जेडीयू और 2 सीटें बीजेपी कोटे की है, जहां सदस्यों के रिटायरमेंट के बाद चुनाव होंगे। बीजेपी की बात करें तो वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और आरके सिन्हा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के 3 सदस्य कहकशा परवीन, रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन सबों के बीच एनडीए राज्यसभा के आगामी चुनाव में 2 सीटों का नुकसान होने वाला है। वहीं राजद को 2 सीटों का फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे अधिक परेशानी बीजेपी को होने वाली है। बीजेपी को इस बार सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ेगा। बिहार में भूमिहारों के चेहरा डॉक्टर सीपी ठाकुर का इस बार राज्यसभा में जाना संभव नहीं दिखता, क्योंकि उनकी उम्र अधिक हो गई है। वहीं आरके सिन्हा, जो कायस्थ समाज से आते हैं, उनका भी राज्यसभा जाना संदिग्ध है। उम्र के हिसाब से दोबारा भेजे जाने की स्थिति में नहीं है। जानकार बताते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर सीपी ठाकुर को इस बार फिर से राज्यसभा भेजे जाने की संभावना न के बराबर है। दरअसल सीपी ठाकुर का भूमिहार समाज में अच्छी छवि है और एक निर्विवाद नेता रहे हैं। वे बीजेपी में होने के बाद भी समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उम्र की अधिकता के मद्देनजर मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस नेता को मौका मिलेगा। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बीजेपी के खाते में जो 1 सीट गई है वह भूमिहार या फिर कायस्थ कोटे से भरी जाएगी। वैसे भूमिहार खेमे में कई नामों की चर्चा है। दावेदारों ने अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी है। सारा फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, लिहाजा बिहार के नेता पटना से लेकर दिल्ली तक का दौड़ लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट वितरण में जब इस जाति की उपेक्षा की गई तो अपेक्षा अनुरूप बवाल मच गया। सबको याद है कि कैसे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को आनन फानन में चार्टर्ड विमान से दिल्ली ले जाया गया, जहां टिकट नहीं मिलने पर उस नेता ने अपनी शर्तों में बीजेपी नेतृत्व को बांध दिया था। अमित शाह के आदेश पर बिहार बीजेपी नेताओं ने पटना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सफाई दी कि इस वर्ग की उपेक्षा की गई है, जिसकी भरपाई विधान परिषद और राज्यसभा की सीट देकर की जाएगी। तब पार्टी नेतृत्व ने बड़ी मुश्किल से तूफान को शांत किया था, लेकिन चूंकि इस बार भूमिहारों का एक सर्वमान्य नेता रिटायर हो रहा है तो अंदर खाने में यह चर्चा शुरू है कि अगर इनकी जगह पर किसी भूमिहार नेता को राज्यसभा में नहीं भेजा गया तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नाराजगी झेलनी होगी। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया कि लालू के जमाने में जब बीजेपी बिल्कुल अकेली थी तो इस समाज ने साथ दिया था। आज भी यह समाज ईमानदारी पूर्वक बीजेपी के साथ है। बीजेपी के द्वारा किए जा रहे सौतेला व्यवहार से यह वर्ग नाराज है और नाराजगी दिखा भी चुका है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का नेतृत्व सीपी ठाकुर की जगह किसी भूमिहार नेता को राज्यसभा नहीं भेजकर जानबूझकर नाराजगी मोल लेगी, या फिर कोई और दाव चलकर अपने साथ चलने की कोशिश करेगी। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 6 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मार्च है। 16 मार्च तक नामांकन पत्रों की छटनी होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 18 मार्च है, जिसके बाद 26 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। उसी दिन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।